हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई कार्ड के स्टॉक में आज हमको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब 5.18% की गिरावट होती हुई हमको देखने को मिली, और इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, जिसकी वजह से इतना प्रेशर हमको एसबीआई कार्ड के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो ये क्या खबर है उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम ये भी बात करेंगे दोस्तों कि अब हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए इस स्टॉक में, क्या यहाँ पर आगे हमको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। अगर शेयर ये गिरता है और तो कहाँ तक गिर सकता है, क्या इसके फ्रेश बाइंग लेवल होंगे, ये भी आपको बताने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, ये गिरावट मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको इस वीडियो में आपको मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने वाला हूँ। कई 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 इनसाइट आपको देने वाला हूँ इस स्टॉक से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेटेड एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम दोस्तों न्यूज़ पे चलते हैं, क्या न्यूज़ वो निकल के सामने आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेटेड न्यूज़ है। पी मेजर कार्लाइल टू सेल 5.1% स्टेक इन एसबीआई कार्ड्स ऑन फ्राइडे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप की कंपनी 5.1% स्टेक यहाँ पर अपने ऑफलोड करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कार्लाइल ग्रुप लगातार अपने स्टेक्स को कम किए जा रहा है। और अगर इसकी बात करें इस वाले इवेंट की, तो देखिए करीब 48 मिलियन शेयर्स यहाँ पर कंपनी ऑफलोड करने वाली है। प्राइस रेंज रखा गया है 1002 से 1041 के बीच, और आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइस उससे भी काफ़ी नीचे आ चुका है। और क्या लिखा है देखिए इसमें, कार्लाइल प्लान्स टू ऑफलोड 5.1% स्टेक इन एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ऑन फ्राइडे। टोटल ऑफ 48 मिलियन शेयर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड कंपनी विल बी एन ऑफर इन द रेंज बिटवीन 1002 टू रुपीज 1004 पर शेयर, डिस्काउंट ऑफ 1% एंड 4.7% टू लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1051.70। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्च क्वार्टर तक जो स्टेक थे 11.61% थे एसबीआई कार्ड के, अब यहाँ पर वो और कम करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए इन्होंने कितना अपने स्टेक कम किया है। ये है दोस्तों सीए रोवर होल्डिंग, जो कि कार्लाइल ग्रुप की कंपनी है। तो मार्च 2020 में 15.89% स्टेक थे, और मार्च 2021 में देख सकते हैं आप 11.61% स्टेक है इनके। अगर मैं आपको पूरा यहाँ पर पैटर्न दिखाऊँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों 11.61% एज ऑन 31st मार्च 2021। तो अब ये दोस्तों यहाँ पर 5.1% और ऑफलोड करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं अराउंड 6% के आसपास अब इनके स्टेक यहाँ पर रह जाएंगे एसबीआई कार्ड्स में। लेकिन यहाँ पर आप देखें दोस्तों, और भी बड़े ग्रुप्स यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं, जैसे कि वैनगार्ड आप देख सकते हैं, वैनगार्ड का एक नाम शामिल है इसमें, काफ़ी बड़ा एक फंड हाउस है ये ग्लोबली बात करें तो। एंड देखिए गिजालो है, और आप देखिए आरडब्ल्यूसी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड है, फिडेलिटी है, थॉर्नबर्ग है एंड पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड है। तो बड़े बड़े नाम अभी भी यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टेड हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात की जाए सीए रोवर होल्डिंग, यानी कि जो कार्लाइल ग्रुप की कंपनी है, अपने स्टेक को लगातार कम कर रही है। आईपीओ में दोस्तों इन्होंने 10% स्टेक अपने निकाले थे, करीब 7000 करोड़ वहाँ पर ऑफर फॉर सेल में इन्होंने बेचे थे। उसके बाद 15% बचे थे, उसके बाद 4% और इन्होंने निकाले मार्च में, आपको ध्यान होगा मार्च में। और अब दोस्तों वापस ये 5.1% स्टेक यहाँ पर बेच रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसबीआई कार्ड की पर्टिकुलरली, तो एसबीआई कार्ड दोस्तों एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी अच्छे बिजनेस मॉडल है, काफ़ी अच्छे इंडस्ट्री का यहाँ पर पोटेंशियल है भविष्य का। अगर पर्टिकुलरली एसबीआई कार्ड की बात करें, तो ये दोस्तों अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ाई जा रही है। आप देखिए स्टेडली इंक्रीजिंग आर शेयर ऑफ पाई इन द इंडस्ट्री। FY18 में 16.7% थे कार्ड्स इन फोर्स, अब देखिए FY21 में बढ़ के 19% हो चुका है। मतलब कि टोटल कार्ड्स कितने मार्केट में हैं इनके, और कितना उन कार्ड्स पे स्पेंडिंग हो रही है। देखिए FY18 से लेकर FY21 तक लगातार आपको यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर RBI ने HDFC क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर बैन लगा रखा है, वहाँ पर वो नए कार्ड इशू नहीं कर सकते। सिटी बैंक की यहाँ पर एग्जिट के बाद दोस्तों और ज़्यादा फायदा SBI कार्ड को डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो इसका ब्रांड नेम है दोस्तों काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब इनका जो कस्टमर एक्विजिशन मॉडल है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। ये अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रॉस सेलिंग अच्छे से कर पाते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और आपको पता है दोस्तों, SBI बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है अक्रॉस द कंट्री। उसका दोस्तों काफ़ी फायदा मिलता है इनको। और प्रोडक्ट रेंज की बात करें, तो मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज है एंड डिफरेंट कॉरपोरेट एंटिटीज़ के साथ इनके टाई अप्स हैं, जो कि इसको काफ़ी बेनिफिट पहुँचाते हैं। अगर मैं आपको इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट बताऊँ, तो देखिए FY15 से लेकर FY19 तक CAGR 32% से ग्रो हुआ है।
क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की हम बात करें और FY24 तक आप देखिए 20% CAGR से दोस्तों आराम से ग्रो हो सकता है एज पर दी रिपोर्ट्स, एज पर दी रिसर्च यहाँ पर बताया गया है। मार्केट शेयर की बात करें तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पुराना डेटा है, लेकिन HDFC बैंक का आप देखेंगे मार्केट शेयर यहाँ पर 26% का, SBI कार्ड का 18% का, जो कि बढ़ के अब 19% हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया। एंड बाकी आप देख सकते हैं ICICI बैंक का 15% है, एक्सिस बैंक का 13% एंड अदर आप देख सकते हैं सिटी बैंक ऑलरेडी यहाँ से एग्जिट ले रहा है। एंड स्पेंड पर कार्ड आप देखेंगे तो HDFC बैंक का है 29%, SBI कार्ड का 18%, ये लगातार दोस्तों बढ़ रहा है। इसका फ़ायदा जो बैन है उसका फ़ायदा और सिटी बैंक की एग्जिट का फ़ायदा SBI कार्ड को यहाँ पर मिल रहा है। और इंडस्ट्री की बात करूँ तो दोस्तों डेफिनेटली ये काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। देखिए लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, जिसकी वजह से इसका काफ़ी फ़ायदा जो है क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ने वाली है। यूथ पॉपुलेशन है हमारी और डेफिनेटली दोस्तों यूथ है तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपना भी एग्जाम्पल लें तो आप देखिए हम कितना जो है क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करते हैं। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन इसका एक ये जो बड़ा फैक्टर है जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और जो कैश ट्रांजेक्शन तो वो शिफ्ट हो रहा है कम्प्लीटली कार्ड्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन में, पेमेंट्स में शिफ्ट हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि FY20 की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर आपको देखने को मिला इनके ग्रॉस NPS बढ़े, लेकिन ये दोस्तों सिचुएशन हमेशा रहने वाली नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा है, तो जैसे जैसे सब कुछ सही होगा वापस से आप देखिए ई कॉमर्स का जो इंडस्ट्री है दोस्तों बहुत बड़ी और यहाँ पर स्पेंडिंग डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि SBI कार्ड दोस्तों एक बहुत बड़ा यहाँ से बेनिफिशियरी हो सकता है भविष्य में। ठीक है, ये हो गई बात। अभी अगर मैं इसके कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की बात करूँ, देखिए सेल्स देखिए लगातार 3 साल से 40% से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 50% से ग्रो हो रही है, ROE 30 का है, ROC 16 का है और ये डेफिनेटली ROE ROC एक्चुअली थोड़ा कम हुआ है, लेकिन FY21, 22, 23, 24 में आपको ये नंबर्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, हमको करना क्या है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर आई होप आपका गिरावट होगी तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तो ये करीब 950 तक आ सकता है जहाँ पर आपको यहाँ पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अपने ऊपरी स्तरों से बात करें तो करीब आप देखिए यहाँ पर ये अभी भी सिर्फ 13% ही करेक्ट हुआ है, तो कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 30% करेक्ट हुआ है या 40% करेक्ट हो गया, अभी भी दोस्तों ये इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है जिस प्रकार प्रोस्पेक्ट है इंडस्ट्री के, SBI कार्ड के इन इटसेल्फ, तो मेरे को यहाँ पर प्रॉमिसिंग लगता है। और ये जो गिरावट है ये अपॉर्चुनिटी है, जिसने यहाँ पर बाइंग नहीं करी है वो डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी करीब 990 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो रेंज रखी गई है ऑफलोड की वो करीब 1021 से लेकर 1040 तक रखी हुई है, तो उसके नीचे चल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों और कितना करेक्ट होता है, क्या सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बनता है। अगर और सेलिंग प्रेशर आया तो करीब 950 तक भी आ सकता है, वहाँ पर और मौका होगा इसमें बाय करने का। यहाँ पर भी आप धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के अपडेटेड कॉन्टेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।